हाँ तो बच्चों, ये राजस्थान जीके की क्लास है जिसमें हम ट्रिक से वाद्य यंत्र लर्न कर रहे थे। मुझे उम्मीद है कि कल की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने औनद वाद्य यंत्र राजस्थान, लोक वाद्य यंत्र में औनद वाद्य यंत्र और तत्व वाद्य यंत्र और तारों की संख्या के बारे में लर्न किया था। आज क्या हमारा तीसरा पॉइंट होगा। लोक वाद्य यंत्र जो है वो चार प्रकार के हैं। तीसरा वाद्य यंत्र है घन वाद्य यंत्र, तीसरे टाइप के घन वाद्य यंत्र जो कि चोट या आघात से बजते हैं, जो कि चोट या फिर आघात से उनके अंदर ध्वनि उत्पन्न होती है, आघात से ध्वनि। यहां हम इसे भी ट्रिक से याद करेंगे। तो सिरी मगरमच्छ, सिरी मगर मच्छ टोकरे में रम पीकर, सिरी मगरमच्छ रम पीकर टोकरे में घंटा भरकर, सिरी मगरमच्छ रम पीकर टोकरे में घंटा भरकर झांकते हाँफते जिम गए, जागते आते कहाँ गए, जिम गए। वह ताल पर धुन में, वह ताल पर धुन में डांडिया खेलने लगे, धुन में डांडिया खेलने लगे। ये हमारी होगी ट्रिक। इसके अंदर हम याद करेंगे। अब सिरी से क्या हो जाएगा, सिरी मंडल, सिरी से क्या हो जाएगा, सिरी मंडल। आगे मच से हो जाएगा कागरच, कागरच। रम से हो जाएगा रमझोल। वैसे रमझोल के साथ साथ मैं से रह का रमझोल हो गया और मैं से एक मंजीरा भी बनेगा। नेक्स्ट हो गया मंजीरा। इसके बाद है पीकर। पी का कोई मतलब नहीं है, पी यहां पर ऐसे लिखा गया है। और कर का मतलब है करताल, कर से करताल। नेक्स्ट है आपका टोकरे, टोकरे का हो जाएगा टोकरिया। मैं का यहां पर कोई मतलब नहीं है, मैं यहां पर इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए लिखा गया है। टोकरे में घंटा, तो घंटे का हो जाएगा घंटा ही है। और भरना, भरकर, भरकर का भरनी, भर से क्या बन जाएगा भरनी। कर का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। और इसके बाद है झांकते, झांकते से जा का बनेगा, कते का कोई मतलब नहीं है। तो जा का हो जाएगा जालर और एक बनेगा जांच, जालर और जांच, जानते। नेक्स्ट है हाँपते, हा का बन जाएगा हाकल। और कते फते का कोई मतलब नहीं है। जिम का हो जाएगा लेजिम, जिम का क्या हो जाएगा लेजिम। गए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है और वैसे भी कोई अर्थ नहीं निकलता है। नेक्स्ट है ताल, ताल का क्या हो जाएगा ताली हो जाएगा, ताल का ताल। नेक्स्ट पर का कोई मतलब नहीं है। अब धुन से देखिए, वैसे धुन धुन जो है ये धू से नहीं है, ताल के साथ एक थाल और याद कर लेना, ये धुन है। लेकिन हमारे नाम जो है वो धू से बनेंगे, गुरालियो गां गड़ा, लोग गड़ा बजाते हैं ना। और इसके अलावा घुंगरू, तो ये हो गए घर से बनने वाले। इसके बाद आपका नेक्स्ट है डांडिया, मे का यहां कोई मतलब नहीं है। और लास्ट बच गया खड़ताल, खड़ताल खेलने से, और आगे वाले लगे तक का कोई मतलब नहीं है। तो खड़ताल। और इसके अलावा कुछ और भी है जैसे कि चिमटा या फिर चिंपिया, जिसे वैसे आघात से ही बजाया जाता है। और एक बज गई
तासली, प्रात जो होती है ना उसे उल्टा रख के जैसे बजाते हैं तो वो भी तासली। तो यहाँ देखिए घन वाद्य यंत्र चोटियां आघात से बजाए जाते हैं। सिरी मगरमच्छ रम पीकर टोकरी में घंटा भरकर जागते हाँफते जिम गए व ताल पर धुन में डांडिया खेलने लगे। तो भाई कोई सिरी, सिरी हम नाम के आगे लगाते हैं, तो सिरी मगरमच्छ है, उन्होंने रम पी ली है और रम पीने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो वेट को कम करते हैं या वजन घटाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वजन को उठाया, वजन घटाने के लिए वजन को उठाया। क्या वजन उठाया, एक टोकरा लिया बड़ा सा, उस टोकरे में घंटे भर लिए और भरने के बाद झांकने लगे इधर उधर की कोई उठा दे या फिर कोई लेकर चले साथ में, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। तो उन्होंने खुद उठाया और झांकते हाँफते हाँफते हुए, जब वजन ज्यादा था उसकी वजह से हाँफने लगे और हाँफते हुए कहाँ पहुंच गए, जिम में चले गए। और जिम में गए तो वहां पर देखा कि सारे के सारे लोग जो है वो डांस कर रहे हैं, तो उन्होंने भी क्या किया, ताल पर धुन में डांडिया खेलने लगी। तो लोग वहां पर वजन को घटाने के लिए डांडिया खेल रहे थे और इन्होंने भी क्या किया, ताल पर धुन के अंदर डांडिया खेलने लगे। सीरी से सीरी मंडल हो गया, मत से कागरच हो गया, रम का रमजोल और मैं का मंजीरा हो गया, पी का कोई मतलब नहीं है, कर से करताल बन गया, टोकरे का टोकरिया हो गया, घंटे का घंटा हो गया, मैं का कोई मतलब नहीं है, बर का हो गया बरनी, कर को छोड़ दीजिए, जांकते जांकते का झालर और झांझ, कते का कोई मतलब नहीं है, जा से बन गया, हा का बन गया हाकल, फतेह का कोई मतलब नहीं है, जिम से ले जिम हो गया, गए वह ऐसे ही छोड़ दीजिए, ताल का ताल और ताल से ही एक बनेगा थाल, पर का कोई मतलब नहीं है, धुन ये धुन से दू से स्टार्ट होता है हो रहा है, लेकिन हमारे नाम जो है घू से बनेंगे, क्या क्या होगा, गुरालिया गा गड़ा और घुंगरू। मैं का कोई मतलब नहीं है, डांडिया और खेका खड़ताल, इसके अलावा बच गए चिमटा चिंपिया और तासली। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है घन के बाद में हम पढ़ेंगे सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र वो होते हैं जो कि फूंक से उनके अंदर ध्वनि उत्पन्न की जाती है, जैसे श्री कृष्ण जी जो है ये बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए फोर्थ पॉइंट है सुशीर वाद्य यंत्र फूंक से बजने वाले या फूंक से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसे भी हम ट्रिक के साथ याद करेंगे, तो ट्रिक क्या होगी, अमुक बोस, ट्रिक क्या होगी हमारी, अमुक बोस सुमन मोस बांसी गुना पूत, अमुक बोस सुमन मोस बांसी बुना पूत बना शरण हटो, बना शरण शरण हटो, ये सारे आगे इस ट्रिक के अंदर हमारे सुशीर वाद्य अंदर। तो क्या होंगे, देखिए ऐसे अलगोजा, ऐसे बन जाएगा अलगोजा, मुंह से बनेगा मुरला या फिर मुरली, मुरला या फिर मुरली, कैसे बनेगा, सॉरी कैसे बन जाएगा, करना या फिर कानी, बोस से एक तो बनेगा बांसुरी, बांसुरी और एक इस तरह से और भी बनाएंगे हम जो क्या होगा सतारा। नेक्स्ट अमुक बोस सुमन, सु का बन जाएगा सुरनाई, सुरनाई, मैं से बन जाएगा मस्क और नै से बन जाएगा नर और मो का बनेगा मोरचंग, मो से क्या बन जाएगा मोरचंग और सै का हो जाएगा सैनाई, सैनाई। इसके बाद बांसी, बांसी का बा से बनेगा बांकिया, बांकिया और सी का बनेगा
या तो सिंगा या फिर इसे कहेंगे सिंगी, दोनों सिंगा या सिंगी इस दोनों से ही बना लेंगे। भू से बनेगा भूंगल और ना से बनेगा नागफनी, भूना पूत, पू से बनेगा पुंगी, पू से बनेगा पुंगी और तय से बनेगा तुर्पी या फिर तुड़ी या तर्पी। तर्पी या फिर तुड़ी दोनों ही तय से हो रहे हैं स्टार्ट है, इसलिए तय से बना लेंगे। बै का बनेगा बरबू, वैसे बरबू और ना का वैसे तो नागफनी आ चुका है ऊपर, लेकिन फिर से लिखना चाहो तो लिख सकते हो वरना छोड़ दो। सह का हो जाएगा शंख, सह का शंख, रण का रणबेरी, रणबेरी और है का हरनाई, है से बन जाएगा हरनाई और टो का बन जाएगा हटो, टो का बन जाएगा टोटो। इसके अलावा एक और बच गया जिसका नाम है पेली। तो ये सारे आपके हो गए सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र में देखिए सुशीर वाद्य यंत्र फूंक से बजने वाले होते हैं। ट्रिक होगी आपकी अमुक बोस सुमन मोस बांसी भुना पूत बना शरण हटो। तो ऐसे अलगोजा, मुंह से मुरला या मुरली, कैसे करना या कनी, बांस से बांसुरी और सह से सतारा और सू से सुरनाई, मै से मस्क और नय से नट, मो से मोरचम, सह से सहनाई, बा से बांकिया, सी से सिंगा या सिंगी, भू से भूंगल और ना से नागफनी, पू से पुंगी बन जाएगा, तय से तर्पी या तुड़ी और बै का बरगू और ना से नागफनी या तो याद कर लो या फिर पहले ही हो चुका है। सह से शंख और सह के ऊपर पॉइंट लगा लो ताकि याद रहेगा कि इस तरीके से सह लिख रहा है। सह का शंख, रण का रणबेरी, है का हरनाई, टो का टोटो और एक लास्ट बच गया पेली। ओके तो ये सुशीर वाद्य यंत्र कंप्लीट हो गए। हमने सारे के सारे वाद्य यंत्रों के नाम लर्न कर लिए हैं। कौन सा वाद्य यंत्र जो है वो किसके अंदर आता है या उसका टाइप जो है वो कैसा है, तत्वाद्य यंत्र में तारों की संख्या कितनी है। तो इस प्रकार से हमारा इतना टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर कुछ कौन सा यंत्र वाद्य यंत्र जो है किसके द्वारा सबसे अच्छा बजाया जाता है, इसका प्रसिद्ध वादक कौन है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके थैंक यू। आपको मेरी क्लास अगर समझ में आ रही है और अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।